अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। ऑल सॉल्यूशंस फन चैनल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। ऑल सॉल्यूशंस फन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो एडिटिंग के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। और रिसेंटली जो है डिफरेंट फूड्स और बिजनेस की जो है वो फूड के बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मूवी मेकर यूज़ कर सकते हैं, इसमें वीडियो बना सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी मेमे आप बना सकते हैं, अच्छी सी सिंपल सी मेमे बना सकते हैं। और अगर आपको शायरी आती है और आपको अच्छा लिखना आता है तो आप उसकी भी वीडियो यहाँ बना सकते हैं, सिंपल सी डिसेंट सी। वो कैसे बनाएंगे वो हम सिंपल सी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो मूवी मेकर किस तरह डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, इसकी वीडियो हम दे चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके इसको पहले मूवी मेकर को डाउनलोड करें, इसका करेक्ट कॉपी पेस्ट करें। दैन इसके बाद जब आप इसमें एक्सपोर्ट करेंगे, कोई भी वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक मेरी सिंपल सी वीडियो है, और जब इसको आप सेफ मूवी पे जाके फॉर हाई डेफिनेशन डिस्प्ले एंड्रॉयड वगैरह में अगर आप इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद आपके पास जब इसको आप प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो ब्लैक होगी। ओवरऑल ऑडियो जो है प्ले हो रही होगी लेकिन आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही होगी। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, माय कंप्यूटर पे, या फिर अगर आपके पास विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 है तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डिवाइस मैनेजर में जाएं, डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद डिस्प्ले अडेप्टर पर जाएँ, डिस्प्ले अडेप्टर पर जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसका अपडेट सॉफ्टवेयर कर लें, इसका ड्राइवर अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली, या अगर आपके पास मौजूद है कंप्यूटर में तो आप वहाँ से जाके जो है इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। अगर आप ऑटोमेटिकली अपडेट करेंगे तो ऑनलाइन जो अपडेट ड्राइवर होगा वो ये इंस्टॉल कर देगा। देन इसके बाद जो भी आप वीडियो यहाँ पर सेव करेंगे वो वीडियो, जैसे अगर मैं यहाँ पर फॉर कंप्यूटर के लिए ये वीडियो सेव करता हूँ जो मैंने बनाई है, सिंपल एक मैंने शायरी के अकॉर्डिंग जो है एक वीडियो बनाई है, और नाउ ये मेरे पास आ गई, इसको प्ले करूंगा। अल्फाज की खामोशी लहरों की तरह होती है, बहुत ही जो डिसेंट सी जो है, बहुत ही सादा सी, बहुत ही खूबसूरत सी है वीडियो शायरी है, सॉरी वीडियो शायरी है। नाउ तो इस तरह जो है आपके पास स्क्रीन नहीं शो हो रही होगी, जब आप इसे अपडेट कर देंगे वीडियो ड्राइवर को तो आपकी ये स्क्रीन शो हो रही होगी। तो अदरवाइज जो भी आपको आर्टिकल्स आता हो, आपको आपको अच्छी शायरी आती हो, या अगर वाइज सिंपल छोट स्मॉल से जो अगर आपको मेमे बना आप बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ से आप MP3 में वीडियो ऑडियो जो है डाउनलोड कर लें, MP3 में जो है आप साउंड डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आप ऑनलाइन YouTube टू MP3 जब लिखेंगे MP3, ये YouTube टू MP3 ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये बेहतरीन है। यहाँ से आप जो है YouTube की कोई सी भी वीडियो जो है MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी आ रहे हैं तो अच्छा सा साउंड विदाउट कॉपीराइट। सर्च बार में आप विदाउट कॉपीराइट लिखेंगे, देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप उस साउंड के लिंक को शेयर करेंगे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में किस तरह जो है आप लिंक को शेयर करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कॉपी के जो भी आपने लिंक कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे, वह हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पेस्ट करने के बाद आप MP3 जो है ऑडियो डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे आपके पास वीडियो की भी एडिटिंग होती है, वीडियो में जो भी आप एडिटिंग करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, और स्पेशली अगर इमेज के थ्रू आप कोई भी मेमे बनाना चाहें, कोई भी आप मैसेज बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। आपने इमेज डाउनलोड करी, डाउनलोड करने के बाद डेस्कटॉप में या डाउनलोड में जिस फोल्डर में आपने सेव करी है, सेव करने के बाद यहाँ से इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद जो भी आपने म्यूज़िक रखा हुआ है, जो डाउनलोड किया है, या आपने म्यूज़िक मैंने डाउनलोड किया हुआ था MP3 में कन्वर्ट करने के बाद, यहाँ से आप इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद
ये आपने यहाँ से ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर ली, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं या जो भी आप शायरी करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ देखें, मैंने शी लहरों की तरह होती है जो मेरी नहीं देती बोलने की, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट मेरा मूव हो रहा है। तो ये टेक्स्ट किस तरह मूव होता है, सिंपल, अगर आप उर्दू में बना रहे हैं तो उर्दू में बना सकते हैं। ये आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद इसे बोल्ड कर दिया और पिक्चर के अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे, इसको आप यहाँ मूव करा सकते हैं। अल्फाज की खामोशी लहरों की तरह होती है जो सुनाई नहीं देती बोलने की। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे कि प्रीमियर में जो है ऑल टैक्स जो है और एक्स्ट्रा टैक्स जो है ऐड कर सकते हैं, वो आप ये नहीं कर सकते। ये देखें, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ अपने। अच्छा, अब मुझे अपने जो लिपसिंग मेरी है उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स चलाना है। अल्फाज की खामोशी लहरों की तरह होती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस टैक्स को मूव करूँगा। आगे करना चाहें आगे कर लें, इसको बैक करना चाहें बैक कर दें, यहाँ से कम करना चाहें यहाँ से कम कर दें, जैसा लिपसिंग के अकॉर्डिंग ऑडियो चलेगी आप उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें और एडिटिंग आप किस तरह करते हैं, और अगर आपको सिंपल शायरी बना करनी हो तो वो आप किस तरह जो है उसकी वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।